हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू द बिग क्वालिफायर नंबर टू एट अहमदाबाद। एंड वी हैव निखिल भाई विद अस टुडे टू ऐड द लोकल फ्लेवर ऑफ व्हाट ही फील्स अबाउट द कंडीशन देयर। मे बी नॉट ऑफ द पिच बट एट लीस्ट ऑफ एनी एनी क्लाउडी कंडीशन, एनी मूवमेंट। बट क्लाउड हो या ना हो, लाइट के अंदर शमी जी तो चलते ही हैं। बट वो चले या ना चले, आप जरूर चलोगे। फैन टू प्ले ऐप पर फ्री टिकट है यहाँ पे आप सब FCP यूजर्स के लिए। Just go sign up right away with the link in the description, and then when you go to the game, you'll see a free contest. एक free smallly contest है, आपको खाली कोई भी team बना के join करना है and participate करो, सब users के लिए। And अगर आपको लग रहा है कि आपको guaranteed वाला reward चाहिए, तो फिर एक दो और दोस्तों के साथ भी participate कर लो। सब दोस्तों को भी बोलो कि participate and enjoy the prizes. Nikhil bhai, how are you doing and what do you feel about the game? Epic game, former franchise player versus the franchise that made him. So, very keen to see the tactics employed. I felt Gujarat thode experimental the pichle game mein. I think is game mein wo nahi karenge. They'll stick to what has worked for them right through the season. So, changes expect kar raha hu main ek do. Let's see if they happen. And Mumbai will be buoyed. Bahut hi confidence aur hona bhi chahiye. Team lag nahi rahi thi ki ऐसे आएगी, तो क्रेडिट टू रोहित एंड द मैनेजमेंट टू ब्रिंग अ बोलिंग लाइनअप लाइक दैट टू द प्लेऑफ्स इज कमेंडेबल। यस, लॉट ऑफ सुपरस्टार्स एंड ऑन दैट नोट लेट्स लुक एट द वेन्यू कंडीशंस। सो यस, सुपरस्टार हो या ना हो, हम आपको पिच कंडीशन में जरूर कवर कर लेंगे कि क्या होंगे आपके सितारे आज के दिन के लिए। सो यहाँ पे जैसा पिच है, हमने देखा है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट मिलता है स्पेशली अंडर लाइट्स। सो शमी विल बी अ थ्रेट, चाहे वो फर्स्ट बॉलिंग करे या सेकंड बॉलिंग करे। उसके अलावा जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि एज द गेम गोज ऑन इट गेट्स बेटर फॉर बैटिंग। हमने देखा है कि जो डेथ बैटर्स हैं और डेथ ओवर वाले बैटर्स हैं, दे हैव प्रॉस्पर्ड इन द कंडीशन। सो दैट विल बी अ की पॉइंट टू वॉच आउट फॉर। एंड एज फार एज ग्राउंड डायमेंशंस आर कंसर्न, काफी इवन आउट ग्राउंड है, खाली एक साइड छोटा है, बट वहां से स्पिनर्स डालेंगे नहीं, सो नो कंसर्न ऑन दैट पार्ट। निखिल भाई, एनीथिंग टू ऐड हियर? मूवमेंट सेकंड इनिंग्स, हमने पहले भी बात करी है कुछ गेम्स में, अहमदाबाद में सेकंड इनिंग्स में बॉल घूमा है प्रॉपर शुरुआत में, तो चेस दोनों आर एक्चुअली बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीम्स को चेस करना पसंद है। तो अगर नए बॉल से मूवमेंट है, तो जो चार ओपनर हैं जिनको हम बैक कर रहे हैं करते आ रहे हैं, दैट बिकम्स वेरी वेरी ट्रिकी। बट आई स्टिल डेफिनेटली बैक गिल टू कम्बैट दैट, एंड अहमदाबाद का प्यार तो हमें पता ही है गिल के लिए, इन द अदर वे आउट। यस एब्सोल्युटली। सो ऑन दैट नोट, एंड इट्स नॉट ओनली Gill at home, it's also against whom Gill is playing, so it will be an interesting game. So chalte hain base team ki taraf. So over to the base team, and like Nikhil bhai said, that as far as the game is concerned, Gill is going to feel at home even with the opposition. So batting section mein obviously humne Gill and Surya dono ko liya hua hai, while keeping mein hum gaye Kishan ke saath. So we have gone slightly light ऑन द बैटिंग एंड कीपिंग सेक्शन, इसलिए नहीं क्योंकि चॉइसेस खराब है वहां से, बट इसलिए क्योंकि जैसे कंडीशन है, वी एक्सपेक्ट दैट सम ऑफ दोज लो सेलेक्ट बैटर्स माइट एक्चुअली बी द की। सो दोज आर प्लेयर्स वर्थ ट्राइंग इन योर T2 व्हाइल इन योर T1, बिकॉज़ यू नो कि बॉलर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है इवन इफ अ मिस्टेक इज मेड, हेंस वी हैव बैक द बॉलर्स। बिल्कुल, एंड सेम थिंग दैट यू ऑलवेज एसोसिएट विद अस एनी व्हिच वे। Yes, nothing new with that. In the all-rounders, we have gone with Green and Hardik Pandya. Hardik Pandya is in the all-rounder section, but bowling karenge ki nahi, uski hum koi guarantee nahi lete. While bowling section mein hum gaye Akash Madwal, Mohit Sharma, Rashid Khan, Mohammad Shami, Piyush Chawla and Jason Berendorf. Berendorf has been slightly out of form, but if we expect conditions to help anywhere in the power play, it should be these conditions. One. Second is between Mohit and Noor, you pick one. Currently, we have gone with Mohit, expecting jo pehle bowling kar lenge. But if he does not bowl first, we have seen ki like his bowling order slightly random in the second inning. Yeah. So hence, we'll probably go with Noor in that case. Correct. Because we remember what Noor did against Mumbai at this very venue in the league stages. And he was bowling second. Exactly. So wohi main keh raha tha ke, dekho, bowlers humne back karein zyada, but you could easily swap out a couple for the batters. हमारा बायस सीधा सीधा यही है कि अ बॉलर हैज 24 बॉल्स टू गिव यू 25 पॉइंट्स,
A batter will have to bat at least 10 balls to give you 25 points. Or Surya ho to bhai do teen ball mein bhi de sakta hai wo, par not going that route. But different work for different people. So agar aapka visualization hai ki yahan pe aapko zyada batters middle overs ke batters rakhne, so you could easily slot in a Tilak Varma, Nehal Vadera, Tim David, David Miller, Vijay Shankar, or whoever you want to. So usually, जैसे हम कहते हैं गुजरात और मुंबई के गेम्स आर एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ हु आर रिलायबल, तो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू टू रोटेट, तो जस्ट पिक दैट एंड बैक योर विजुलाइजेशन. Yes, absolutely. So that's our base team for this game. Ensure that you sign up right away on the Fan to Play app to get the best benefits. And jaise aap dekh sakte ho, jo maine promise kiya tha, wo league currently open hai. Mere bhi join karna baki hai. So I'll just join it right away with you. And usi note pe shuru karte hain hamare aaj ke Grand League picks. Grand League options for this game, and like I mentioned that there are two type of players that I'd like to back on this venue. One is players who are going to be bowling in the power play. Dusre hain wo khiladi jo khelenge death overs mein. And keeping up with that, my first pick for the day will be Dasun Shanaka. He plays spin decently well. And samne jo pacers bhi hain, none of them are known for their death bowling. One is known, but wo bhi 50 by 50 maar rahe hain death bowling mein. So Shanaka can be a good pick. In case nahi khelte Shanaka, then it will be David Miller. While from the Mumbai side of things, it will be Tim David. I waited all season for a good knock. And while one came against those older full tosses, but we all know that he's much better than that. So hoping that Tim David comes good. Bilkul kafi interesting and fair choices. Shanaka, I think definitely खेलते हैं तो interesting रहेंगे. Very keen to see if little plays, क्योंकि मुझे लगता है Shanaka की batting आप इतनी ज़्यादा use नहीं कर रहे हो. और विजय शंकर अगर already form में है, तो फिर using विजय at number 3 or 4 is also a better option than playing Shanaka. But again, Gujarat could go either ways. तो yep, मेरे जो दो picks हैं, एक तो Josh Wallitel हमने बात कर ली already कि अगर वो खेलते हैं तो काफी interesting हो जाएगा. Over distribution फिर देखना पड़ेगा आपको कि कौन किसके ओवर कटेंगे फिर, तो दैट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. आई फील और आई फील मतलब इन टर्म्स ऑफ फील भी नहीं बोल सकता, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या बॉलिंग करें. बड़ा गेम है, अहमदाबाद है, स्विंग होता है यहाँ पे. नो बेटर प्लेस फॉर हिम टू ट्राई आउट एटलीस्ट 2 ओवर्स इन द पावर प्ले. तो थोड़ा भी अगर हिंट मिलता है आपको कहीं से, कुछ दिखता है ऐसा या गट फील आती है, तो हार्दिक पांड्या फ्रॉम गुजरात विल बी, I don't think I can call him a grand league pick, but अगर वो bowling करते हैं तो he's a straight captain option, क्योंकि वो batting करने भी अच्छे spot पे आ रहे हैं and bowling से value तो आपको पता ही है. Swing होगा तो 3 विकेट अकेला लेके जा सकता है जैसे final में हुआ था पिछली बार. So Hardik Pandya in that sense and a proper correspondent for him in the Mumbai Indians camp is Cam Green. Cam Green भी differential pick नहीं है इस game में. Differential pick करना बहुत risky है. आप किसी ऐसे प्लेयर को पिक नहीं करना चाहोगे जिस पे आपको ज्यादा रिलायबल नहीं है कि इसको कितना रोल मिलेगा. तो कैम ग्रीन 2 मैचेस से नंबर 3 पे भी बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि जल्दी विकेट जा रहा है, तो मैं यहाँ पे भी जल्दी विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गुजरात के एंड से. तो कैम ग्रीन पावर प्ले में बैटिंग करने आएंगे, 30 रन मार ले आई एम हैप्पी, क्योंकि बहुत बाउंड्रीज होती है वहाँ पे और अहमदाबाद में सेकेंड इनिंग्स में भी स्विंग मिलती है. तो पावर प्ले में 1 ओवर डाल दे, 1 विकेट ले ले, मेरे को चले 30 रन 1 विकेट, आई एम हैप्पी. Fair enough, sir. And before we end the preview, I have one opinion to take from you. So it's unlikely that Ritik Shaukeen should play at this venue. Because we know that here the Pacers get more help. So do you see Arjun Tendulkar playing this game? Because unless they opt to play with Sandeep Warrior, but Arjun has already played at this venue. Interesting call. I think it will depend a lot on how they feel the conditions are. अगर उनको लगता है कि नए बॉल से हम लोग को बॉलिंग चाहिए, तो अर्जुन ने नए बॉल से तो डिसेंटली डाला था पूरे सीजन जितना भी वो खेले थे, तो इन दैट केस मे बी इट विल बी वर्थ अ ट्राई. पर होपफुली मेरिडिथ अगर फिट है तो शायद वो खेले. सो इट कुड बी अ ट्रिकी कॉल क्योंकि जॉर्डन भी देखो, आई मीन जॉर्डन इज द ओनली मुंबई इंडियंस बोलर टू बोल अ मेडन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन दिस एडिशन. इट इज बिजार. इट इज जस्ट सम कर लेता पूरा सीजन के कैसा गया. और मधुवल को डेफिनेटली आप बैक तो करोगे इन द एंड, तो वो भी एक ऑप्शन आपके लिए बैक करने का. पर आई एम वेरी कीन टू सी हु दे प्ले क्योंकि पिछले गेम में मुझे लगा, क्योंकि नेहल वगैरह आए, बट आई वाज वेरी श्योर मे बी कार्तिकेय कुड हैव प्लेड.
तो क्योंकि नए बॉल से हमने देखा स्पिन हैज गॉटन आउट गिल एंड साह हैव गॉट आउट टू लेफ्ट आर्म स्पिन अर्ली, तो इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू ट्राई दैट ऑप्शन एज वेल. तो बहुत ऑप्शन ओपन है, जो खेलता है इल टेल अस हाउ व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द वेन्यू. Fair enough. So that those are our thoughts on the playing 11, and we hope all of you have a great game. Ensure that you sign up on Fantaplay and take part in the free contest right away. We'll see you all very soon for the next preview. And like always, remember to play responsibly because this game might be habit forming or financially risky. And just for fun, tell us in the comments how many runs do you think Hardik Pandya will score today? And जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. Cheers. Thank you so much for watching, guys.